क्या आप अपने 100% पोटेंशियल पे काम कर रहे हैं? अगर नहीं बच्चों तो ये वीडियो आपके लिए है। रिसेंटली मैं एक बच्चे से मिला जिसने मेरे को रियलाइज करवाया कि ये टॉप 100 में आ सकता है। अब ये बच्चा कौन है इसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही, लेकिन बच्चों ज्यादा जरूरी ये है आपके लिए जानना कि मुझे ऐसा क्यों रियलाइज हुआ कि ये टॉप 100 में आने वाला है। देखिए, जब मैंने इस बच्चे से बात करी तो मेरे को पता लगा कि ये बच्चे की कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं जो कि टॉपर में रहती हैं और इस बच्चे के अंदर वो चीजें इनहेरेंट हैं। मैं क्वालिटी, वो जो क्वालिटी है ना उसकी, उससे आप लोगों को रूबरू करवाना चाहता हूं। सबसे पहली क्वालिटी है बच्चा ये कि ये बच्चा कभी भी अपने बार्स को लोअर नहीं करता। ही नेवर लोअर्स हिज बार। अगर कभी ये किसी प्रॉब्लम में फंस जाएगा ना तो सॉल्यूशन नहीं देखता, ये उससे स्ट्रगल करता है, उससे लड़ता है। 15 मिनट लगे, 20 मिनट लगे, 25 मिनट लगे, ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आज फिजिक्स में इसकी ये कंडीशन है कि अगर आप इसको कोई भी क्वेश्चन दो, ये उससे 2-3-4 क्वेश्चन बना सकता है और इवन 10-15 क्वेश्चन तक बना सकता है, जिसको मैं पोस्टमार्टम बोलता हूं। इसको ये इतना पसंद आया है, इतना पसंद आया कि ये आज हर एक क्वेश्चन में पोस्टमार्टम करने का ट्राई करता है। अगर मैं टॉपर इसको बोल रहा हूं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसको टॉपर बना रही है, जैसे कि अपार्ट फ्रॉम स्टडी ये अपनी हॉबीज को भी इक्वल प्रायोरिटीज पे रखता है। ये डेली सुबह उठ के बच्चों एक्सरसाइज करता है, 15 से 20 मिनट ही सही लेकिन डेली बेसिस पे करता है। ये सोशल मीडिया भी चलाता है लेकिन एक डिजायर्ड टाइम लिमिट में। इसने मेरे को बताया कभी 25 मिनट से ज्यादा दिन में इसने सोशल मीडिया का यूज नहीं किया अपार्ट फ्रॉम यूट्यूब। अगर ये इंस्टाग्राम व्हाट्सएप भी चला रहा है तो इसने मेरे को अपने स्टेट बताया कि 25 मिनट से ज्यादा कभी भी सोशल मीडिया का यूटिलाइजेशन नहीं करता है। नेक्स्ट इसकी क्वालिटी जो मेरे को बहुत अच्छी लगी वो है इसकी कंसिस्टेंसी, और ये कंसिस्टेंसी है इसके टेस्ट मार्क्स को लेकर। इसके टेस्ट में कॉन्टिन्यूसली विश्वास बैच के अंदर 670 बने हुए हैं। 670 कॉन्टिन्यूसली मतलब 20% आपका, सॉरी 20 मार्क्स ऊपर नीचे हो जाता है कभी कभी, कभी 670, 650, इवन कहीं 640 भी आए हैं, लेकिन ये आज तक कभी 640 से नीचे नहीं गया, जो कि इसको कंसिस्टेंट प्रूफ कर रही है। तो ये कुछ ऐसी क्वालिटीज हैं बच्चों जो इसके अंदर है। सबसे अच्छी बात अगर मैं इसकी बताऊं तो ये अपने टीचर्स के ऊपर डाउट नहीं करता है। जो भी टीचर्स बोलते हैं ये उसको बहुत रिलीजियसली फॉलो करता है, और फाइनली सबसे अच्छी बात ये है ये कंसिस्टेंटली रिजल्ट मेरे को निकाल के दे रहा है। तो ये कुछ क्वालिटीज इसको अलग बना रही है। और इससे भी इंपॉर्टेंट अगर मैं इससे पूछा कि क्या आपको लगता है कि नीट 24 में टफनेस होने वाली है, क्या टफ आएगा पेपर, तो इसका जवाब जो था बच्चों वो मेरे को बहुत ही ज्यादा शॉक्ड कर गया। बोले सर टफ आए या इजी आए क्या फर्क पड़ता है, कॉम्पिटिशन तो सबके लिए सेम है। ये बच्चा कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करता है, अपना कंपटीशन खुद से रख रहा है और खुद में डेली इंप्रूवमेंट की बातें कर रहा है कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम पिछले लास्ट टाइम में अगर 5 मिनट में बनी थी तो इस बार मेरे को 4 मिनट में सॉल्व करनी है। अब अगर मैं आप लोगों से कहूं बच्चों कि ये बच्चे की क्वालिटी आप भी इनहेरिट कर सकते हो, आप भी सेम इस बच्चे जैसे बन सकते हो, तो क्या आप मानोगे? क्या आप मानोगे दैट यू आर द बेस्ट? क्या आप मानोगे कि अगर मैंने कहा है आप कर सकते हो तो आप कर सकते हो? आपके अंदर क्या इतना कॉन्फिडेंस आ सकता है या नहीं मेरे कहने पर, हाँ या ना? अगर आप कर सकते हो, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो कि हाँ सर मैं सेल्फ मोटिवेटेड बनूंगा, मैं डिसिप्लिन बनूंगा, मैं कभी भी बैकलॉग नहीं आने दूंगा, मैं रिलीजियसली सारी चीजें फॉलो करूंगा, टेस्ट दूंगा, हर एक चीज करूंगा, तो अभी के अभी आप इस वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए सर आई विल क्रैक नीट 24 एंड आई विल डू इट नो मैटर व्हाट, मैं ये चीज करने वाला हूं। अभी के अभी जाके कमेंट करिए दैट आई एम द बेस्ट एंड आई विल क्रैक नीट 24। तो ये कुछ क्वालिटी थी इस बच्चे की। अब यहां पर मैं आपसे 3 सवाल पूछना चाहता हूं। पहला सवाल, क्या आप टेस्ट दे रहे हैं? तो आपका आंसर आना चाहिए हाँ या ना। अगर नहीं दे रहे हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं? और अगर दे रहे हैं तो यहां से एक और सवाल बनता है, क्या आप अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर रहे हैं? अगर आप ये दोनों चीज नहीं कर रहे हैं तो आप लाखों बच्चों से ऑलरेडी पीछे हो, आप कभी भी टॉप 100 में नहीं आ सकते। दूसरा सवाल मेरा जो आपसे है वो ये है, क्या आप डिसिप्लिन हो? अगर नहीं हो बच्चों तो क्यों नहीं हो, इसका जवाब आपको खुद ढूंढना है।
तीसरा सवाल मैं अगर आपसे पूछता हूं, क्या आप टारगेट बेस्ड स्टडी कर रहे हैं? क्या आप अपने आप को मंथली, वीकली और डेली टारगेट दे रहे हैं और उन टारगेट्स के ऊपर काम करके उनको कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं? अगर आपका इन तीनों जवाब में ना है तो मैं आपकी यहां पर एक हेल्प कर सकता हूं। ये उस बच्चे से रिलेट करके मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये बच्चा हमारे विश्वास बैच के अंदर है और ये आप हो सकते हैं अगर आप मेरे बताए हुए पथ पर चल दे, मेरे बताए हुए पाथ को फॉलो कर ले। अगर जो तीन सवाल मैंने आपसे पूछे और उनका आपका तीनों में जवाब ना है बच्चों, तो आपकी मदद करने के लिए मैं यहां पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं नीट महातोड़ फिजिक्स बैच। यहां पर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स का बैच है। यहां पर मैं आपको इसके जब फीचर्स बताता हूं एक एक करके, आप भी बोलेंगे कि दिस इज व्हाट यू वांट। सबसे पहली चीज, आप लोग ऑलरेडी लेट हो तो आपको टाइम बचाने के लिए रिकॉर्डेड लेक्चर दिए जाएंगे विश्वास बैच के। कोई भी कट यहां पर नहीं किया जाएगा सिलेबस में। जितना विश्वास बैच में पढ़ा है वो सारे लेक्चर एज इट इज रिकॉर्डेड आपको मिलेंगे। अब आपका सवाल आएगा, सर लेक्चर तो मैं रख लेता हूं, देख नहीं पाता हूं, तो उसके लिए क्या है मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाता हूं? तो बच्चों इसके लिए आप लोगों को मैं वीकली टारगेट दूंगा और वीक में हर दिन का टारगेट रहेगा कि आपको मंडे को ये करना है, ट्यूजडे को ये करना है, वेंसडे को ये करना है, थर्सडे को ये करना है, फ्राइडे को ये करना है, सैटरडे को ये करना है और संडे को आपको ये वाला टेस्ट देना है। और आप मेरे को डेली व्हाट्सएप पे अपडेट करेंगे कि आपका टारगेट कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। मैं आपसे व्हाट्सएप पे रिपोर्ट लेने वाला हूं और अगर कोई बच्चा दो या तीन दिन से ज्यादा मिस करता है मेरे को रिपोर्ट देना, मैं खुद कॉल करके उससे बात करूंगा कि यार आप मिस हुए तो क्यों हुए, कोई जेन्युइन रीजन है, कोई परेशानी है तो शेयर करो मेरे साथ। आपको इस बैच में डीपीपी मिलेंगी बच्चों, सॉल्यूशन के साथ टारगेट्स मिलेंगे, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको सीटीसी मिलेगा, चैप्टर टू चैप्टर टेस्ट। 98 चैप्टर है, मैंने इसके अंदर फिजिक्स के बैच के अंदर केमिस्ट्री और बायो की भी टेस्ट इंक्लूड करा दिए हैं। अगर आप टोटल टेस्ट इसमें काउंट करने जाओगे तो 150 प्लस आपके टेस्ट हो जाएंगे। तो एक ऐसा बैच जिसमें पूरा कंप्लीट रिकॉर्डेड डिटेल में आपको लेक्चर मिल रहे हैं, फिजिक्स के 400 घंटे से ज्यादा की फिजिक्स आपको मिलने वाली है। 400 घंटे में दूसरे बैच खत्म हो जाते हैं। पूरा डिटेल फिजिक्स अगर आप देख लेंगे बच्चों तो मौखिक सवाल लगा पाएंगे और ये मैं नहीं बच्चे खुद कह रहे हैं विश्वास बैच के। डीपीपी सॉल्यूशन के साथ मिलेगी, सीटीसी सॉल्यूशन के साथ मिलेगा, सीटीसी के काफी टेस्ट के वीडियो सॉल्यूशन मैंने खुद बनाए हैं, ये सब आपको इस पर्टिकुलर बैच में ऐसा पैकेज मिलने वाला है। इससे भी ऊपर अगर मैं बात करूं तो आपको वो नीट काका की जो फ्लैगशिप बुक है बच्चों, उसकी पीडीएफ भी मिलेगी, दैट इज फिजिक्स एनसीईआरटी निचोड़। एनसीईआरटी निचोड़ की पीडीएफ जो अमेजोन पे बच्चों 500 रुपए की बुक है वो भी इसके अंदर हमने इंक्लूड करा दी है, जिसकी पीडीएफ आप एप्लीकेशन पे देख सकते हैं। अगर आप इस बैच में एनरोल करने के इच्छुक हैं तो आप बच्चों अभी के अभी नीट काका जी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर यहां पर टॉप कोर्सेस में जाइएगा और टॉप कोर्सेस में जाने के बाद या ऑल कोर्सेस में जाने के बाद आपको पता लगेगा यहां पर कि नीट फिजिक्स महातोड़ बैच है जिसमें आपको एनरोल करना है। अगर आप इसमें एनरोल कर रहे हैं, अभी 3000 रुपए का बता रहा होगा लेकिन डोंट वरी अबाउट इट बच्चों, मैं आपको कोड बता रहा हूं, एजे सर विदाउट एनी स्पेस, एजे सर विदाउट एनी स्पेस आप कोड लगाओगे, ये बैच आपको बच्चों 1299 में मिल जाएगा। इससे अफोर्डेबल, इससे बेस्ट बैच ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होने वाला है फिजिक्स का, इस बात की ये मैं गारंटी दे सकता हूं। और आपके 170 प्लस मार्क्स लेकर आऊंगा चाहे कुछ हो जाए, बस आपको एक चीज करना है, आपको अपडेट करना है मेरे को टाइमली। अगर आप अपडेट कर रहे हैं बच्चों टाइमली तो ये मैं आपसे यहां पर एश्योर कर सकता हूं कि आपके फिजिक्स में 170 मार्क्स कैसे भी करवा के लेकर आऊंगा। आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा फिजिक्स की वजह से, आपको फिजिक्स टफ नहीं लगेगी। और जो सबसे बड़ा नाइटमेयर है नीट स्टूडेंट्स का, नीट एस्पायरेंट का, कि सर फिजिक्स में डर लगता है, आप बच्चों गर्व से कहेंगे कि आपका फिजिक्स सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है। सो बच्चों अभी के अभी नीट का जी एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर सकते हैं। बैच स्टार्ट हो रहा है बच्चों आपका मंडे से और एंड होगा 15 मार्च को। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।